आदरणीय मैम और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। एक शेर का बच्चा गोल मटोल सोया हुआ था। तभी वहां से भालू साहब आए। वो पछता गए थे। फिर उनको एक फुटबॉल दिखे। उन्होंने सोचा, चलो इससे थोड़ी सी खेल लाता हूँ। फिर थोड़ी सी गर्मी हासिल की जाए। आप देखा ना ताफ, भालू जी ने उछाल दिया फुटबॉल को। फिर शेर का बच्चा दहाड़ा और उसने पेड़ की डाल पकड़ लिया। तो भालू साहब देखा वो एक फुटबॉल नहीं था। फिर पेड़ की डाल टूटने वाली थी और भालू साहब ने शेर के बच्चे को पकड़ लिया। फिर शेर का बच्चा उछालने के लिए फिर से कह रहा था। एक बार उछालने के लिए कह रहा था, फिर दो बार, तीन बार, चार बार, फिर बार बार उछालने के लिए कह रहा था। फिर भालू साहब थक गए थे और बारहवीं बार परेशान हो गए थे। बारहवीं बार शेर के बच्चे को छाला, भालू साहब गायब हो गए थे। फिर शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। फिर से पेड़ की डाल टूट गई। फिर एक माली आया तो माली ने बोला, पेड़ की डाल तोड़ दी, लाओ हसाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लू। फिर माली ने कहा, ठीक है मैं अभी आता हूँ, फिर मैं आपसे हसाना लेता हूँ। फिर शेर के बच्चे ने कहा, शेर का बच्चा बोला, मैं भी ज़रा आता हूँ। शेर का बच्चा कहा, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बदले घर को है, धन्यवाद।